जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे विभिन्न प्रकार के फलों की ड्राइंग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे सेब। सेब बनाने के लिए हम एक ऐसा छोटा सा मार्क कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ से उल्टा सी की तरह बनाएंगे। धीरे धीरे पेंसिल को बनाते रहेंगे, ऐसे करके यहाँ से ले आएंगे इस तरीके से। ये अब हम सेम इसी तरीके से इधर इसके उल्टे साइड में भी बना देंगे। ये हमारा सेब बन गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के ये इसकी डंठल निकाल देंगे। ये डंठल हो गया। अब हम सेब में से ही सटा हुआ एक सेब की पत्ती निकालेंगे। ये अब हम बनाएंगे अनार। अनार बनाने के लिए सबसे पहले हम ऐसे एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे और छोटी सी लाइन ड्रॉ करने के बाद एक ऐसे फिर सेम इधर से भी कर देंगे और यहाँ से हम त्रिशूल की तरह ऐसे 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 बना देंगे। अब इसमें से एक छोटा छोटा ऐसे कर देंगे। अब यहाँ इसके थोड़ा सा ऊपर से लाएंगे, ये सी बनाएंगे हम। ऐसे कर देंगे और सेम इधर से भी हम ऐसे उल्टा इसका बना देंगे। ये मिला दिए, ये हमारा अनार हो गया है। अब हम अनार के दाने दिखाने के लिए हम यहाँ से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे। धीरे धीरे बच्चों आप करना और फिर एक इसी से सटाते हुए ये लाइन लाएंगे। प्यारे बच्चों आप धीरे धीरे बनाते रहना, कोशिश करना ये बन जाएगा। अब यहाँ इसमें हम दाने बना देंगे इसे गोल। अब हम ड्रॉ करेंगे आम का चित्र। आम का चित्र बहुत आसान होता है। इसके लिए प्यारे बच्चों हम ऐसे यहाँ से एक छोटा सा ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इधर थोड़ा सा नुकीला निकाल देंगे। इसके बाद यहाँ से ले आएंगे इसे ऐसे धीरे धीरे ले आएंगे और यहाँ से ले आ करके इधर नीचे से इस नुकीले वाले में मिला देंगे। ये आम बन गया है। इसी में से हम पत्ते निकालेंगे। ऐसे ऐसे करके ले आएंगे नीचे तक, नीचे नुकीला कर देंगे, फिर यहां से ऐसे अब बनाएंगे अंगूर। सबसे पहले तीन ऐसी लाइनें खींच लेंगे, ये इसके ऊपर से ये डंठल बना देंगे और इसी में से एक पत्ती बनाएंगे। अब यहां पर हम तीन जीरो बनाएंगे, बड़े बड़े ऐसे अंगूर की तरह। पहले तीन अंगूर बनाएंगे
और इसके बाद फिर हम इसी में चार अंगूर बनाएंगे। ये चार अंगूर, अब हम फिर बनाएंगे तीन अंगूर, ऐसे गोला करते रहना धीरे धीरे। अब इसमें दो अंगूर यहां से, अब हम फिर बनाएंगे दो अंगूर, अब यहाँ से एक अंगूर। प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा ये अंगूर बन गया है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको ऐसे ही आकर्षक वीडियो लाते रहेंगे। आइए अब हम बनाते हैं बनाना केले का चित्र। केले के चित्र के लिए हम सबसे पहले जिसमें केला लगा रहता है उसके डंठल बना लेंगे। ये अब हम यहाँ से एक छोटी सी लाइन ऐसे करेंगे, फिर प्यारे बच्चों ऐसे एक ये ऐसी लाइन बना लेंगे। अब हम यहाँ से निकाल के ले आएंगे इसको भी थोड़ा सा ऐसे करके, ये इसमें इधर से मिला देंगे। ये हमारा केला हो गया बच्चों। एक केला ऐसे से और सटा हुआ बना देते हैं। यहाँ से ले आएंगे थोड़ा सा ऐसे नुकीला निकालेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे मिला देंगे। ये केला का चित्र हो गया है। अब हम बनाएंगे पपीता। पपीता बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक हल्की पेंसिल से एक छोटा सा गोला बनाएंगे, ये छोटा सा गोला, और इस गोले से इतना होते हुए एक बड़ा गोला बनाएंगे। ये समझने पर का तो हम प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसे इसको आधे पर से ऐसे ले आएंगे और यहाँ सटा के इसमें सटा देंगे ऐसे करके, ये और ठीक इस तरीके से भी हम ले आएंगे यहाँ से, इधर से उल्टे साइड में भी ऐसे बना देंगे और ये इसमें ले आकर मिला दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा नुकीला निकाल लेंगे, ये ऐसे हो गया हमारा ये पपीता तैयार। हम रबर की सहायता से इसको अंदर का जो हल्की पेंसिल मारे थे उसे हम मिटा देंगे। मिटाने के बाद यहाँ ऐसे कर देंगे, ये हो गया पपीते का डंठल जिसमें पपीता लगा रहता है। अब यहाँ से ये ऐसे कर लेंगे, ऐसे ये हमारा हो गया पपीता। अब पपीता के बाद छह चित्र बन गए हमारे। सातवां चित्र है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में से होता है अनानास। प्यारे बच्चों, ये अनानास के लिए भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक गोला बनाएंगे और अंडाकार गोला बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा। ये हो गया। अब हम इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे थोड़ा सा हम इसको लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। अब ये हो गया, ये लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहां से ये पत्ता बना देंगे पाइनएप्पल का, यहां से भी निकालेंगे ऐसे नुकीला, ये हो गया पाइनएप्पल का पत्ता। फिर एक ऐसे बनाएंगे ऐसे कर देंगे, इसमें से ले आएंगे ऐसे कर देंगे, यहाँ बीच में ऐसे कर देंगे, ये हो गया पत्ता। अब हम थोड़ा सा पन्ना को ऐसा करेंगे और यहाँ से ऐसे ऐसे लाइन बना देंगे।
अब हम इसमें एक ये ऐसे ऐसे निशान बना देंगे सभी में। बच्चों ये हमारा हो गया पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में क्या होता है इसे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग बताइए, पाइनएप्पल में होता क्या है। वीडियो में हमने इसका एक बार जिक्र किया है, यदि आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पाइनएप्पल में क्या होता है। अब हम अंतिम में बनाएंगे स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी बनाने के लिए सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, जो दिल का आकार होता है दिल की तरह से हम इसे हल्की पेंसिल से पहले इसे चिकन के अंदर से ले आएंगे और इधर थोड़ा सा नुकीला निकाल लेंगे, फिर इधर ले आएंगे, इधर की तरफ थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। हाँ हम इसे कर लेते हैं गाढ़ा, चेहरे का आकार होता है ऐसे बनाते हैं।